बातें। सबसे पहले आज का जो लेक्चर है उसके अंदर देखो हमने क्या करना है। आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई की हमने वैल्यू निकालनी है, और अभी तक हमने जो ई निकाला कहाँ कहाँ निकाला, एक रिंग पॉइंट चार्ज तो निकाला, रिंग के एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर ई का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डराइव किया था। तो अगर आपके पास एक रिंग है और रिंग का जो एक्सिस है, रिंग के ऊपर अगर चार्ज क्यू, ये इसका एक्सिस, इसका रेडियस ए, एक्सिस के ऊपर ई का फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू इंटू आर आर स्क्वायर ए स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2, को डाउट इसमें? ये हमने ड्राइव किया था, ठीक। अब आज हमने क्या करना है, हमने अब एक डिस्क लेनी है, चार्ज्ड डिस्क। डिस्क के एक्सिस के ऊपर ई का फॉर्मूला क्या होगा ये हमने ड्राइव करना है। हमने एक इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर लेनी है जिसकी लंबाई पता नहीं कितनी है, बहुत बड़ी है। उससे आर नॉट डिस्टेंस दूर आज हमने ई निकालना है। फिर हमने एक आर्क लेनी है, चार्ज्ड आर्क। इससे आर नॉट डिस्टेंस दूर हमने ई निकालना है। फिर हमने एक फाइनाइट वायर लेनी है जिसकी लेंथ इज फाइनाइट। हमने आर नॉट डिस्टेंस दूर सच दैट दिस इज एंगल थीटा टू, दिस इज एंगल थीटा वन। तो इस वायर की वजह से हमने ई निकालना है, ई निकालना है। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं, ठीक। कॉम्प्लिकेटेड है, इसके प्रूफ्स जो मैंने अभी आपको एक शीट दी है प्रिंट आउट, तो ये प्रूफ इसलिए दिए है क्योंकि हमारा टाइम खराब ना हो, तो बहुत नहीं तो लंबा स्ट्रेच हो जाता है आप जब नोट करेंगे बहुत ज़्यादा, और ये एनसीईआरटी में नहीं आएगा। दिस इज़ नॉट फॉर एनसीईआरटी, आप लिख सकते हो दिस इज़ नॉट फॉर एनसीईआरटी, तभी मैंने येलो बुकलेट में से डाला नहीं है, क्योंकि येलो बुकलेट में ओनली फॉर एनसीईआरटी है। ये प्रूफ हम करेंगे, हर फिगर का आज हम प्रूफ करेंगे। लेकिन क्यों करेंगे, क्योंकि जो एंड में फॉर्मूला आएगा वो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और सबसे बड़ी बात कल को जरा सा ट्विस्ट आता है क्वेश्चन के अंदर तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको पूरी टेक्निक आनी चाहिए, वो टेक्निक देख रहे हैं हम, समझेंगे सिर्फ, आपसे कोई नहीं लिख पाएगा, वो मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, आप सिर्फ एक एक स्टेप को समझेंगे। और एंड का जो फॉर्मूला होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, उसके ऊपर फिर मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा आज कि कैसे ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं, जो पहला टॉपिक है इस प्रिंट आउट में आप चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू निकालनी है, और कहां पे, ड्यू टू ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज डिस्क टू फाइंड ई वेक्टर ऑन एक्सिस ऑफ चार्ज्ड डिस्क, ये क्वेश्चन है। तो लेट अस सपोज ये आपके पास एक डिस्क है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने कि अगर चार्ज लेंथ के ऊपर, किसी वायर के लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम डेंसिटी क्या यूज करते हैं, लैम्डा, दैट इज चार्ज बाय लेंथ। अगर एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम क्या यूज करते हैं, सिग्मा, दैट इज चार्ज बाय एरिया। और अगर वॉल्यूम के अंदर है तो हम क्या यूज करते हैं, रो, दैट इज चार्ज बाय वॉल्यूम। ये डेंसिटीज क्लियर है? तो क्योंकि इसमें डिस्क में चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, तो यानी कि एप्लीकेशन ऑफ क्या होगा इसमें, सिग्मा। तो ये पूरा क्वेश्चन सिग्मा से यूज होगा। तो इसलिए इस डिस्क के ऊपर चार्ज टोटल क्यू, डिस्क का टोटल रेडियस इज कैपिटल आर, और डिस्क के ऊपर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, तो विल यूज सिग्मा, ठीक। रूल पुराना वही जो प्लस वन के अंदर इंटीग्रेशंस भी हम यूज करते आए हैं, वो क्या कि सबसे पहले ये डिस्क किसकी बनी हुई है, ये डिस्क बनी हुई है बहुत सारी एलिमेंट्री रिंग्स से। तो हम क्या करेंगे,
हम इसके अंदर एक रिंग कंसिडर करेंगे, ये मैंने एक रिंग कंसिडर कर दी, दिस इज अ रिंग, ये रिंग, और लेट अस सपोज इस रिंग के ऊपर जो चार्ज है इज रिप्रेजेंटेड बाय डी क्यू, स्मॉल चार्ज, डिस्क का चार्ज इज क्यू, तो रिंग का चार्ज इज डी क्यू, रिंग का रेडियस छोटी या बड़ी कोई भी रिंग हो सकती है, और आपको इसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस इसकी वजह से ई निकालना है, ठीक, प्रॉब्लम क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इसका रेडियस इज स्मॉल आर, इस स्मॉल आर रेडियस की रिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे इस पॉइंट पर क्या होगा, और रिंग जो रिंग है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे मालूम है, रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रिंग का चार्ज जो कि कितना है डी क्यू, इंटू रिंग का डिस्टेंस कितना एक्स, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर में क्या डिस्क का रेडियस नहीं रिंग का रेडियस, क्योंकि क्वेश्चन किस पे हो रहा है, रिंग पे, और रिंग का रेडियस कितना है आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर रेज टू पावर कितना 3/2, ये फॉर्मूला क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हमने किसके लिए लिखा, रिंग के लिए लिखा। तो सबसे पहले हम ई किसकी वजह से निकाल रहे हैं, रिंग की वजह से, और फिर हम क्या करेंगे, सभी रिंग्स का ई इंटीग्रेट करके टोटल डिस्क का ई हम कैलकुलेट करेंगे। तो मेथड सबको क्लियर है क्या करने वाले हैं, और इसमें एक्स इज अ कांस्टेंट, वो क्यों, रिंग का रेडियस इसमें छोटा बड़ा हो सकता है, क्योंकि पहले आप छोटी रिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बहुत बड़ी, तो आप इसमें रिंग्स का कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, तो रिंग का रेडियस में चेंज है, लेकिन कहां निकाल रहे हैं, एक्स डिस्टेंस में निकाल रहे हैं, तो एक्स इज अ फिक्स डिस्टेंस, अब बार बार एक्स को चेंज नहीं कर रहे, तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे उसमें एक्स इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है यहां तक? अब सबसे बड़ी बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आनी चाहिए, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो क्योंकि ये एक स्पेशल टेक्निक है जो मैथ्स के टीचर प्लस टू आप लोगों को सिखाएंगे सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन करना, पर मेरी अभी रिक्वायरमेंट है तो मैं सिखाऊंगा, मेडिकल में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक बार समझें, मेडिकल में सिर्फ एंड के फॉर्मूलाज ही आपको याद करने हैं और आपने कुछ नहीं करना, मेंस तक फॉर्मूला याद करने हैं, नीट तक फॉर्मूला याद करने हैं, एडवांस तक प्रूफ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि एडवांस वाले ट्विस्ट कर देते हैं तो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं देते, वो लोग क्या करेंगे, कुछ टेक्निक को यूज करना ही आपको आना चाहिए, ठीक? तो समझना सबने, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे मैंने इसमें एक क्वेश्चन आपको बना के दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है 2rdr r स्क्वायर x स्क्वायर 3/2, ठीक, क्वेश्चन वहीं पर रुक गया। अब हमें क्या सीखनी पड़ेगी, पहले इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन इसकी करें, इसकी इंटीग्रेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू r है, तो r इज अ वेरिएबल, वेरिएबल ऊपर भी है, वेरिएबल नीचे भी है, और इंटीग्रेशन में u अपॉन v का कोई फॉर्मूला हमने नहीं किया, डिफरेंशिएशन में तो u अपॉन v का फॉर्मूला होता है, पर इंटीग्रेशन के अंदर u बाई v का कोई फॉर्मूला नहीं और ना ही होता है। तो इसको इजी बनाने के लिए मैथ्स की एक टेक्निक है जिसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, इसको आसान बनाना, कैसे, जैसे लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया, वाई, ठीक, तो मेरी इंटीग्रेशन थोड़ी इजी हो गई, कैसे, 2rdr y raise to power क्या आ गया 3/2, ठीक हो गया, इजी हो गई। प्रॉब्लम अभी भी है क्योंकि आधे वेरिएबल अब y में चल रहे हैं और आधे r में चल रहे हैं, या तो पूरी इंटीग्रेशन y में चले या पूरी इंटीग्रेशन r में चले। तो इसको करने का एक तरीका होता है कि जो आपने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया, ये आपने सब्स्टिट्यूट किया, इसको दोनों साइड से R से डिफरेंशिएट कर दें, तो d बाई डी आर एंड d बाई डी आर, ये लो। मुझे कैसे पता लगा डिफरेंशिएट करना है, यही सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक है, जो सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और कैसे पता लगा कि R के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू R है, तो dr/dr फर्स्ट टर्म की डिफरेंशिएशन 2R, x इज अ कांस्टेंट, तो आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज जीरो,
इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई डी आर, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2R डी आर की वैल्यू क्या आ गई, डी वाई, जिसको उठा के आप यहां पुट करेंगे तो ये क्या बन गया, y 3/2 और इनटू कितना, डी वाई। अब देखो क्वेश्चन इजी हो गया, तो इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन में ये ऊपर चला गया और इंटीग्रेशन का रूल क्या है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो माइनस हाफ डिवाइडेड बाय माइनस हाफ, तो 2 ऊपर चला गया, y रेस टू पावर माइनस हाफ दैट इज माइनस 2 अंडर रूट ऑफ y, और क्योंकि y हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर, और दिस इज द फाइनल आंसर। तो जस्ट एक एग्जांपल करवाया है, आपसे कोई नहीं पूछेगा, आप आज के लेक्चर बिल्कुल रिलैक्स रहो, आपसे कोई प्रूफ नहीं पूछने वाला, आपको सिर्फ एंड के फॉर्मूला ही समझने हैं कि कैसे अप्लाई करने हैं। प्रूफ इसलिए क्योंकि कल को अगर क्वेश्चन ट्विस्ट होता है तो आपको ना पूरा लिंक पता होना चाहिए कि ये लेक्चर कहां से आया हुआ है, नहीं तो आप सिर्फ फॉर्मूला डिपेंडेंट हो जाएंगे, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। एटलीस्ट आप इस असाइनमेंट को रेफर करके एक ट्विस्टेड क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करने कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो बाकी मैंने बताया नॉन मेडिकल में मैथ्स के टीचर करवा देंगे, और जो मेडिकल है उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेडिकल वाले को कोई टेंशन नहीं, ये देखने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक। तो अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन कुछ और था, हमारा क्वेश्चन था कि ये डी हमने रिंग की वजह से निकाला हुआ है और हम किसकी वजह से निकालना चाहते हैं, डिस्क की वजह से। अब उससे पहले इसके ऊपर जो चार्ज होगा डी क्यू, रिंग के ऊपर चार्ज डी क्यू, हम कैसे निकालेंगे, सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया को एरिया ऑफ रिंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये चार्ज किस फिगर के लिए आएगा, रिंग के लिए आएगा, ठीक, क्योंकि एरिया रिंग का तो चार्ज भी रिंग का। तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा, एरिया ऑफ रिंग होगा सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस, जो रिंग होता है उसके अगर सर्कमफ्रेंस को उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, उसका एरिया। जैसे मोमेंटम इनर्शिया निकाला करते थे रिंग्स का, तो यही यूज करते थे, 2πr सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक, तो डी क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक, यहां तक तो डी क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब एक काम करते हैं, रिंग, मैं फिगर को एक मिनट मिटा रहा हूं, इसमें फिर से लिख दूंगा। चलो, रिंग के लिए, फॉर रिंग हमने डी ई स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाला था, 1/4πε0 डी क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय कितना था, आर स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर होल रेज टू पावर 3/2, और हमने डी क्यू कितना निकाला, सिग्मा इंटू 2πr इंटू कितना, डी आर। एक काम करते हैं, इस डी क्यू को यहां पुट कर दें तो डी ई की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 सिग्मा इंटू 2πr इंटू कितना, डी आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर होल रेस टू पावर 3/2। ठीक है, यहां तक डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी। जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं, एक सिग्मा कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, तो क्या बचा, 2R dr r स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल रेस टू पावर 3/2। कोई कहेगा सर 2 भी तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, निकाल सकते हैं। मैं इसलिए निकाल रहा क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन मैं न्यूमेरिकल से आपको सॉल्व करके बता चुका हूं, तो अब मैं इसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट ही करूंगा। यहां पर मैं फिर से इंटीग्रेट क्यों करूंगा, मैंने वो करवा तो दिया इंटीग्रेशन, तो समझ में आया यहां तक, तो उस इसको इंटीग्रेट करके सीधा ही आंसर में पुट करने वाला हूं। ठीक है, यहां तक। अब लिमिट की बात कर लें, क्योंकि डी आर थिकनेस रिंग की है और जो पहली रिंग डाली जाएगी डिस्क के अंदर वो एकदम डॉट उसके सेंटर पे होगी, जिसका रेडियस क्या होगा, 0, और जो आखिरी रिंग होगी वो बिल्कुल एंड में होगी, जिसका रेडियस क्या होगा, जितना डिस्क का रेडियस है, और डिस्क का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो इसलिए जो लिमिट लगेगी वो 0 से लेके क्या लगेगी, कैपिटल आर तक। ठीक है तक, अब अगर इसे इंटीग्रेट करें, E इज इक्वल टू 1/4πε0
सिग्मा इंटू पाई इंटू एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन की जगह सीधा लिखेंगे माइनस टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल, यहां पर लिमिट क्या लगेगी जीरो से लेके कैपिटल आर, ये वैल्यू आएगी इसमें। और इसके अंदर ई इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू पाई इंटू एक्स, और यहां पर क्या आएगा टू भी रादर बाहर आ गया अब तो, इंटू टू वन बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और लिमिट जीरो से लेके कैपिटल आर। ई इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू पाई इंटू एक्स इंटू टू, इसमें वेरिएबल कौन है स्मॉल आर, एक बार इसकी जगह अपर लिमिट और एक बार इसकी जगह लोअर लिमिट यानी कि जीरो, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अंदर क्या होगा ई इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू पाई इंटू एक्स इंटू टू, और यहां पर एक काम करते हैं माइनस साइन को एडजस्ट करते हैं, ये वाली टर्म आगे ये वाली टर्म पीछे, तो ये तो टर्म सीधी एक्स बन गई और ये क्या बन गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और लास्ट स्टेप है ई इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पाई सिग्मा इंटू एक्स, वन बाय एक्स इसमें से कॉमन निकाल लो तो ये वन बच गया और ये टर्म किस में कन्वर्ट हो गई इसमें, एक्स ऊपर चला गया और एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसल। तो ये एक फॉर्मूला प्लीज बॉक्स में डालो, प्रूफ आपको जरूरत नहीं है करने की, ये फॉर्मूला नोट करो कि अगर डिस्क के एक्सेस पे एक्स डिस्टेंस पे ई निकालने को आए तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, प्रूफ इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि प्रूफ कैसे आया। ठीक, पर फॉर्मूला सबको याद रहेगा, ये प्लीज बॉक्स में डाल लेना, इसे किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। रेयर है वैसे, बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि डिस्क के क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में, और फिर भी अगर आ जाए आपको फॉर्मूला एटलीस्ट पता है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नॉर्मली कॉम्पिटिशन में देखे कम जाते, एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं आते, कॉम्पिटिशन में भी रेयर चांस है, लाइन चार्ज पे ज्यादा आते हैं जो अभी थोड़ी देर में करेंगे, अगला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। ठीक, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो एटलीस्ट सबको समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर डिस्क के सेंटर पे ई निकालने को आ जाए तो क्या जीरो पुट करोगे एक्सप्रेशन में, आर कैसे, आर तो रेडियस है, एक्स एक्सिस कितने डिस्टेंस पे आप ई निकाल रहे हो एक्स, तो सेंटर पे जाना है तो एक्स को क्या करेंगे जीरो, तो ये टर्म टूट जाएगी आगे वाली टर्म बच जाएगी, तो वही आपका क्या होगा डिस्क के सेंटर पे ई का फॉर्मूला। तो याद नहीं करना, जो भी आएगा ठीक है, बट समझ में आ रहा है आपको करना कैसे, कोई डाउट इसमें, ठीक, तो क्लोज करें इस टॉपिक को। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर चार्ज्ड रिंग, नहीं सिग्मा डिस्क की डेंसिटी है, जो ओरिजिनल फिगर होती है ना उसी की डेंसिटी गिवन होती है, यानी अगर सिग्मा की वैल्यू पुट करके दिखाऊं, ठीक है, अगर कोई पूछे कि सिग्मा है क्या वैल्यू पुट करो, तो टोटल चार्ज ऑफ डिस्क डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ डिस्क, ये होती है सिग्मा। कोई भी फिगर गिवन होगी ना तो उसका एलिमेंट्री पोर्शन का सिग्मा और पूरी बॉडी का सिग्मा सेम ही होता है, ठीक है ना, जैसे एक लोहे का पीस है, इसकी डेंसिटी इसका टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, लेकिन अगर आप इसका एक पीस कट कर लो छोटा सा तो इसकी डेंसिटी विल रिमेन सेम, मास भी छोटा वॉल्यूम भी छोटा, तो रेशियो छोटी हो जाएगी लेकिन वैल्यू विल रिमेन सेम, ये इसका मतलब। तो हम क्योंकि अब रिंग का केस तो कौन करेगा, तो डिस्क एक बड़ी बॉडी है जिसका एरिया भी क्लियर है और चार्ज भी, तो ऐसे पुट करना तो एंड में कर सकते हैं। तो फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया यहां तक का, ओके। क्वेश्चन है।